अगर आप पेट्स को पसंद करते हो तो हमारे चैनल पेट इन्फो को सब्सक्राइब कीजिए। आपका स्वागत है पेट इन्फो में और आज हम देखेंगे डॉग वर्सेस डॉग का 25th एपिसोड। और इस एपिसोड में हम पोमेरानियन वर्सेस जर्मन शेफर्ड के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ओरिजिन, पोमेरानियन का ओरिजिन जर्मनी और पोलैंड से है। ये स्पिट्स टाइप की डॉग ब्रीड है और इस साइज में छोटे होने के कारण इनको टॉय डॉग्स भी कहते हैं। पोमेरानियन एक क्षेत्र है जो कि अब जर्मनी और पोलैंड की जगह है, जहाँ पर इस ब्रीड को प्राचीन स्पिट्स ब्रीड से बनाया गया था और इसी जगह से इस ब्रीड का नाम पोमेरानियन रखा गया। जब यह ब्रीड बनाई गई थी तब वो साइज में बहुत बड़ी थी और उसका वेट तकरीबन 30 पाउंड्स था, यानी कि 13.5 केजी था। और इनका ज़्यादातर इस्तेमाल भेड़ों को चराने के लिए किया जाता था। पोमेरानियन डॉग को मेरी एंटोनेट, एमिली जोला, मोजर्ट और क्वीन विक्टोरिया ने एज ए पेट पाला था और 1870 में इंग्लैंड के कैनल क्लब ने इस ब्रीड को पहली बार मान्यता दी थी। 1880 में क्वीन विक्टोरिया ने इस ब्रीड को पालना शुरू कर दिया और बाद में उनकी ब्रीडिंग करके उनकी साइज छोटी कर दी और यहाँ से ही ये डॉग ब्रीड इंग्लैंड में बहुत फेमस हो गई। और 1888 में एकेसी ने इस ब्रीड को रजिस्टर कर दिया। जर्मन शेफर्ड का ओरिजिन जर्मनी से है। इस डॉग ब्रीड को मैक्स वैन स्टेपनीज ने पहले ब्रीड किया था। गार्डिंग एंड सोशलाइजेशन। पोमेरानियन डॉग स्मॉल साइज की डॉग ब्रीड है और ये ब्रीड एजिलिटी और ट्रिक्स दिखाने के लिए जानी जाती है। ये डॉग दिखने में छोटे दिखते हैं लेकिन ये बहुत ही स्ट्रांग और हेल्दी होते हैं। पोमेरानियन फैमिली डॉग ब्रीड है। अगर आप फर्स्ट टाइम ओनर हो या आपके घर में छोटे बच्चे हैं या आपका घर छोटा है तो आपके लिए ये डॉग ब्रीड परफेक्ट है। गार्डिंग के मामले में ये डॉग बहुत ही अलर्ट होते हैं और खतरा महसूस होने पर जोर जोर से बार्क करने लगते हैं। इनको डेली 30-40 मिनट्स तक एक्सरसाइज करवाना चाहिए। जर्मन शेफर्ड वर्ल्ड की पॉपुलर डॉग रैंकिंग लिस्ट में नंबर 2 पर आते हैं और वर्ल्ड की इंटेलिजेंस रैंकिंग लिस्ट में नंबर 3 पर आते हैं। जर्मन शेफर्ड डॉग्स अपने ओनर के साथ बहुत ही लॉयल होते हैं और स्ट्रेंजर के सामने बहुत ही एग्रेसिव हो जाते हैं। ये डॉग्स अच्छे फैमिली डॉग होते हैं लेकिन इनको बचपन से ही सोशलाइज करना ज़रूरी होता है। इनको छोटे बच्चों के साथ और दूसरे डॉग के साथ बचपन से ही घुल मिल कर रहना सिखाना चाहिए। जर्मन शेफर्ड डॉग अच्छे गार्ड डॉग और इंटेलिजेंट डॉग होते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल मिलिट्री फोर्स और पुलिस फोर्स में किया जाता है। कलर्स एंड शेडिंग। पोमेरानियन डॉग ब्लैक, ब्लैक एंड टैन, क्रीम, ट्राई कलर, ऑरेंज सेबल, रेड सेबल, ब्राउन और वाइट कलर्स में पाए जाते हैं। पोमेरानियन डॉग का लॉन्ग कोट होता है और इनका शेडिंग सीजन 5-6 मंथ में आता है। इनको रेगुलर ग्रूमिंग की ज़रूरत होती है ताकि उनका कोट शाइनी और अट्रैक्टिव दिख सके और इस वजह से इनकी हेयर प्रॉब्लम्स भी कम होती है। जर्मन शेफर्ड ब्लैक, ब्लैक एंड टैन, सेबल, रेडिश ब्लैक, ग्रे और ब्लैक एंड सिल्वर कलर्स में पाए जाते हैं और इनका कोट लॉन्ग होता है, इस वजह से इनको रेगुलर ग्रूमिंग की ज़रूरत होती है। जर्मन शेफर्ड का शेडिंग सीजन 6 और 8 मंथ में आता है। पोमेरानियन की हाइट 7-12 इंचेस होती है। जर्मन शेफर्ड की एवरेज हाइट 22-26 इंचेस होती है। वेट 2-4 केजी तक होता है। लीटर साइज। पोमेरानियन की लीटर साइज एवरेज 2-5 पपीज तक होती है। जर्मन शेफर्ड की लीटर साइज 6-10 पपीज तक होती है। प्राइस। पोमेरानियन की एवरेज प्राइस अप टू 8,000 है। जर्मन शेफर्ड की प्राइस 10,000 से लेके 22,000 तक है। लाइफ स्पैन। पोमेरानियन का लाइफ स्पैन 12-16 ईयर्स तक होता है। जर्मन शेफर्ड डॉग का लाइफ स्पैन 10-13 ईयर्स तक होता है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का डॉग वर्सेस डॉग का 24th एपिसोड? अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपने इसमें से कौन से फैमिली डॉग को चूज किया और हमारे चैनल पेट इन्फो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।